हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने प्रीवियस आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसको इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलते थे, उसके बारे में आपको बताया था डीपली। तो प्लीज जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, प्लीज वो स्टूडेंट मेरी प्रीवियस वीडियो को देखे, ताकि आपका इंटरेस्ट बन सके ज्यादा से ज्यादा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, अभी मैंने बोला था हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन है कंडक्टर। तो कंडक्टर में होते क्या है, हमारे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कोई भी कंडक्टर है वो एटम से बना होता है। तो इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, तब वो जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो हम उसको चार्ज बोलते हैं। तो वो चार्ज जब फ्लो करता है तो रेट ऑफ, कितने टाइम पर करेगा वो चार्ज फ्लो, उसको हम करंट बोलते हैं। मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। तो रेट का मतलब होता है टाइम, मीन चार्ज हमारा किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। जैसे कि ये कंडक्टर है, ये मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है, तो इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। मीन्स एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, दो सेकंड में कितना हुआ, थ्री सेकंड में होता कितना हुआ, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। तो वन सेकंड आपको इतना पता चल गया होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि मैंने ये डायग्राम पहले बनाया है, तो इसमें क्या है, ये कंडक्टर है, इसमें क्या हो रहा है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारा Q इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा चार्ज Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। तो ये चार्ज होता है हमारा, तो मैंने बताया था आपको, तो ये होता है हमारा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो N क्या है, N हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ऐसे चार्ज बनेगा, ठीक है। तो चार्ज कैसे बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसमें, इस कंडक्टर में जा रहे हैं, इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ठीक है। तो वो बन जाएगा टोटल चार्ज लग गया आप पर। तो ये बन गया हमारा एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो माइनस क्यों लगाते हैं हम यहां पर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन से, तो नेगेटिव चार्ज हमारा बनेगा। प्रोटोन भी हो सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा बन जाएगा। बेसिकली प्रैक्टिकली हमारे इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। तो इतना आपको पता चल गया, इसका मतलब चार्ज की करंट की डेफिनेशन क्या बन गई, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज हमारा यहां से क्या बन गया, प्लस माइनस एन ई अपॉन टी। तो ऐसे हम ये निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू। अब बोलोगे सर करंट किसने मेजर किया, करंट किसमें मेजर करते हैं हम, इसकी ऐसा यूनिट क्या है। तो करंट को डेवलप किया था एम्पियर ने, तो साइंटिस्ट का नाम था लास्ट में एम्पियर, तो इसलिए इसकी यूनिट है एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। और चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट है कूलम। तो चार्ज की यूनिट कूलम है, और टाइम क्या है, सेकंड में। तो ये वन सेकंड लिख दिया, वन लिख दिया, तो ये वन एम्पियर की डेफिनेशन बन जाएगी। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो आपको पता चल गया ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, इसको कैपिटल ए में हम डिनोट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आपको पता चल गया होगा। तो आगे आता है हमारा, इतना आपको पता चल गया, आगे आता है सर वन एम्पियर क्या होता है, कब हमारा वन एम्पियर करंट होगा, ये हमारा माइंड में क्वेश्चन आता है। तो वन एम्पियर क्या होगा, जब हमारा एक कंडक्टर में वन कूलम चार्ज पासिंग थ्रू होगा, पास करेगा इन वन सेकंड में। मींस ये एक कंडक्टर है, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज यहां से पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां नेगेटिव से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और यहां से ये मूव कर रहे हैं, तो एंड हो रहे हैं। तो ये एक क्लोज लूप बन गया है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव तक जाते हैं, तो इतना एक कूलम कितना चार्ज होगा एक सेकंड में, तो उसको बोलेंगे वन एम्पियर। तो देखते हैं, इसको बोलेंगे करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर की डेफिनेशन बता रहा हूं, करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर।
तो वन अम्पेयर कब होगा, इफ इफ वन कूलम, जब हमारा वन कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू, जब हमारा वन कूलम चार्ज पासिंग पास हो जाएगा किसके थ्रू, पासिंग थ्रू इन कंडक्टर, कंडक्टर में इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में जब पास होगा तब हम उसको एक एम्पेयर बोलेंगे। तो आपको मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया, ऐसा यूनिट के बारे में बता दिया और वन एम्पेयर के बारे में भी बता दिया। तो आगे है हमारा कन्वेंशनल करंट। तो सर कन्वेंशनल करंट क्या होता है, तो कन्वेंशनल करंट होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन हमें पता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो आगे है कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, तो कहां तक जाते हैं, पॉजिटिव से जाते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से स्टार्ट होके टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जाते हैं। जो करंट हमारा फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा टू नेगेटिव तक जाएगा, इसका मतलब ऑपोजिट वो, इसको करंट को बोलेंगे ए करंट ऑपोजिशन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो करंट हमारा ऑपोजिट होगा, ए करंट ऑपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ के ऑपोजिट होगा उस करंट को बोलेंगे हम कन्वेंशनल करंट। तो यहां से देखिए, अब ये करंट ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव से ये स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव में ये खत्म हो जाएगा, तो उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। तो इतना भी आपको पता चल गया। आगे है हाउ कैन मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। और माइंड में आता है सर सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे मेजर करेंगे, तो देखते हैं। यहां पर देखिए एक बैटरी मैंने लगाई हुई है और बल्ब ये जग रहा है, तो इसमें कितने वोल्ट पर ये जगेगा, कितना करंट इसमें जा रहा है, ये हमने देखना है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, अब इसमें करंट देखना है। अब देखिए ये सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम होता है, इसलिए हम एक डिवाइस लगाते हैं। करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर, तो हम यहां पर एम मीटर लगाते हैं, एम्पेयर मीन्स एम मीटर। तो यहां पर हमारा क्या आएगा, दैट इज एम्पेयर यूनिट है, एम्पेयर होगा प्लस मीटर, तो ये एम्पेयर प्लस मीटर मीन्स एम मीटर बन जाएगा। तो एम मीटर हम ऑलवेज लगाते हैं करंट को मेजर करने के लिए इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, क्योंकि हम सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि करंट सीरीज में कॉन्स्टेंट होता है। दूसरा, इसकी जो है हमारी, इसको सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लो होती है, तो मैक्सिमम करंट हमारा फ्लो हो जाएगा एमीटर में। तो इतना आपको पता चल गया मेरे ख्याल से। तो ऐसे वोल्टेज मेजर करेंगे, तो इसमें हम वोल्टेज इसके अक्रॉस में मेजर करेंगे, तो यहां हमें इसके पैरेलल वोल्टेज सोर्स वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो यही था डिफरेंस एमीटर और वोल्ट मीटर में, करंट के बारे में बता दिया था मैंने, ठीक है। तो अब थोड़ी सी अब एनिमेशन के थ्रू भी देख लेते हैं इसको कि कैसे ये हो रहा है। तो देखते हैं, जैसे ये देखिए, अब ये मैंने एक बैटरी लगाई है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखिए ये वाली ये आउटपुट है, ये बल्ब है, तो ये बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा है। अब देखिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे यहां से नेगेटिव से स्टार्ट हो रहे हैं और यहां से जाते जाते ये पॉजिटिव पे जा रहे हैं। तो ऐसे ये जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाते हैं, इतना आपको एनिमेशन के थ्रू पता चल गया होगा। अब ये स्विच है, अब स्विच को ऑफ करता हूं, देखते हैं। अब मैंने ऑफ कर दिया, देखो अब वो इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे, तो ये देखिए ये बंद हो गया, ये हमारा बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। अब इसको मैंने फिर से, अब देखिए इलेक्ट्रॉन सर्किट नहीं पूरा हो रहा, इलेक्ट्रॉन अब जा रहे हैं, जाएंगे। अब मैं इसको ऑन ऑफ, अब ऑन किया मैंने, क्लोज किया, तो ये जाने लगे, तो ये देखिए ये ग्लो करने लगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव, जब सर्किट पूरा होता है तभी ये करंट फ्लो होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो करंट फ्लो होगा उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए हम कौन सी क्या यूज करेंगे, एमीटर यूज कर लेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए हम एमीटर की यूजेस करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना भी पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो
अब एमीटर कैसे लगाएंगे वो देखते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए ये वाली, ये एनिमेशन के थ्रू आपको पता चल रहा है। अब देखिए ये वाला, अब ये है एमीटर, मैंने यहां पर एक कुछ लगा दिया है ऐसे विंड लगा दिए, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन को ये विंड्स कैसे चल रही है, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ से चल रही है। अब ये चल रही है और करंट ये बन रहा है, ये देखिए। अब वोल्टेज कितनी मैंने दी, 6.2 वोल्ट। अब इसको थोड़े से कम करके दिखाता हूं आपको, अभी आपको पता चल जाएगा, ये देखिए। अब वोल्टेज कम हो गई है, अब देखिए यहां पर जो रीडिंग है एम्पियर की वो अब जीरो है, क्योंकि करंट हमने वोल्टेज कम दिया। वोल्टेज ज्यादा देने से, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा देने से करंट बढ़ता है। जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी दूर बंदा जाएगा, तो जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा हमारा करंट फ्लो होगा। तो अभी मैं वोल्टेज की रीडिंग, अब देखिए यहां पर है, अब वोल्टेज की रीडिंग थोड़ी बढ़ा रहा हूं, तो थोड़ी सी मैंने 1.92 वोल्ट कर दी। अब देखिए करंट थोड़ा सा बढ़ा, तो थोड़ा सा और कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने 4.3 वोल्ट कर दिया। अब करंट देखिए, इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी फ्लो होने लगे, ये चलने लगी। और देखिए ये देखो, ये चलने लगा है, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 10, तो 10 एम्पीयर ऐसे में हो गया करंट। तो यहां पर मिली से भी हो सकता है, मैंने कैलिब्रेट नहीं किया। तो मीन्स करंट की वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो ऐसे हम सीरीज में लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि करंट हम कैसे मेजर कर रहे हैं। तो मैंने एनिमेशन के थ्रू भी आपको बता दिया स्मार्ट वे से कि कैसे ये काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। तो प्लीज, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर अपने दोस्तों से जरूर कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि एनिमेटेड वीडियो भी आपको बताऊं, पहले थ्योरी बताऊं फिर उसकी प्रैक्टिकली एक एनिमेटेड बताऊं कि क्या इसमें हो रहा है, तो आपको पता चल जाए। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।